अशोकी, जैसा कि आप जानते हैं, पहले का सेवा दल एक सेवा भाव से निकाला गया, समर्पण की भावना सेवा दल में थी। क्या कारण था कि ये जो सेवा दल था धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, और जब से आपने प्रभार अभी अगस्त से आपको प्रभार मिला है, तो आगे आपकी क्या नीति है, आगे आप कैसे इस सेवा दल को फिर नई जान डालने की कोशिश करें, उसकी क्या रणनीति तैयार की, इसके बारे में थोड़ा हमको खुलासा करना होगा। देखिए, ऐसा है, सेवा दल का निर्माण 1923 में हुआ था, आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की ज़रूरत थी, उनकी यातनाओं को जो सह सके ऐसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत थी। इसलिए नागपुर जेल में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हमारे सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर सुब्बा राव जी के संयुक्त प्रयास से इसका निर्माण हुआ। और सेवा दल ने जब से अपना कार्य शुरू किया है, अंग्रेज भी इस संगठन से घबराने लगे थे। और शायद आपको मैं बता दूं कि 1929 में सेवा दल को अंग्रेज़ों ने बैन कर दिया था, और उससे प्रभावित होकर 1931 में जवाहरलाल नेहरू ने सेवा दल को कांग्रेस का अंग घोषित किया। पहले इसे हिंदुस्तानी सेवा दल के नाम से जाना जाता था, उसके बाद से कांग्रेस सेवा दल के नाम से जाना जाना लगा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। आज़ादी की लड़ाई के बाद सेवा दल ने समाज सेवा को अपना लक्ष्य निर्धारित किया, और लगातार हम समाज सेवा करते रहे। राजीव जी के आने के बाद सेवा दल को बहुत ज़्यादा महत्व मिला, राजीव जी ने इसकी उपयोगिता समझी, और पूरे देश में सेवा दल अपने कार्यों से, समाज सेवा के कार्यों से पूरे देश में इसकी एक अलग पहचान हो गई। राजीव जी की हत्या के बाद जो कांग्रेस में घटनाएं हुई हैं आप जानते हैं, नरसिम्हा राव जी आए, सीताराम केसरी जी आए, तो सेवा दल की पूछ परख इसीलिए कम होती गई क्योंकि सेवा दल की तरफ कोई देखने वाला नेता बचा नहीं था। 1998 में जब सोनिया गांधी जी दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सामने आई, तो फिर से सेवा दल के महत्व को उन्होंने समझा, और उसके बाद से सेवा दल को उन्होंने आगे बढ़ाने की योजनाएं तैयार की, और सेवा दल को नए नए कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा दिए जाने लगे, और सेवा दल वापस अपनी उस पहचान की तरफ और समाज सेवा के कार्यों की तरफ अग्रसर हुआ है। अभी लालजी देसाई जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं 5 अप्रैल 2018 को, उसके बाद से राहुल गांधी जी ने सेवा दल को पूरी तरह से फ्री हैंड कर दिया है, और हम अब अपने सारे कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र हैं। जिस तरह से कांग्रेस के सभी अंग, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSY स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं, अब हम भी अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, अपनी योजनाएं स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राहुल गांधी जी ने RSS से टकराने के लिए सेवा दल को पूरी ताकत अब दे दी है, और वो दिन दूर नहीं है कि जब RSS जैसे झूठ और फरेब का सहारा लेकर के पूरे देश में जो सांप्रदायिक दंगे और भाई से भाई को लड़ाने की योजनाएं बनाने वाला संगठन है, हम सेवा दल के लोग धर्मनिरपेक्षता और भाई से भाई को जोड़ने वाली नीति अपना करके और हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को हम कायम रखेंगे, और इस देश में फिर से भाईचारा कायम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेवा दल ही सेवा, उसका नाम ही ऐसा है, सेवा करना, सहयोग करना, कहीं भी आपके VIP आते हैं, हर जगह आपके सेवा दल का उपयोग किया जाता है, ताकि कोई भी VIP को कोई तकलीफ न हो, मगर मात्र उसे सेवा ही कराया जाता है, वो सब बंद हो चुका है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि राहुल गांधी ने सारी चीजों को बंद कर दिया है, अब न हम किसी नेता के आगे पीछे घूमेंगे, न हम किसी नेता का चरण स्पर्श करेंगे, न हम कहीं हम नेता को सार्वजनिक सलामी देंगे, और ना हम किसी
को पानी पिलाने का काम करेंगे, ना दरी उठाने का काम करेंगे। जो कांग्रेस की योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और सेवा दल अब जैसा कि उसका गठन हुआ था, कांग्रेस और जनता के बीच सेतु का कार्य करेगा। ये मैं मान लूं कि जब जिस तरह से चुनाव आएगा तो सेवा दल के जो पदाधिकारी रहेंगे, उस योग्य रहेंगे, जिस तरह बेसिक के होते हैं, यूथ के होते हैं, उनको टिकट दिया जाता है, क्या मैं मानूं कि सेवा दल के भी पदाधिकारियों को, उपयोगी लोगों को उस चुनावी मैदान में उतारा? बिल्कुल, यदि सेवा दल का कोई साथी किसी विधानसभा में अपनी पूरी तैयारी किया हुआ है या किसी वार्ड में अपनी पूरी तैयारी किया हुआ है और यदि उसकी जीतने की क्षमता है, वो इस सीट को जीत सकता है। जैसे कि कांग्रेस का उद्देश्य है जीतने वाले को टिकट देंगे, तो हमारा सेवा दल वाला भी अगर कहीं जीतने वाला है, और हम तो उस जगह मांग करेंगे जहां कांग्रेस बहुत सालों से नहीं जीत रही है, ऐसी सीटों पर हम सेवा दल के साथियों को तैयार करेंगे और हम उस जगह को कांग्रेस को जीत के देंगे। देखिए, आगे हमारी योजना है कि जो 2014 में नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े वादे करके इस देश में आए थे, 15 लाख रुपया सबके बैंक खाते में आ जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, डीजल पेट्रोल गैस के दाम कम हो जाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा होगी और बहुत से कार्यक्रम, किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और इन सब का साथ सबका विकास, इस नारे के साथ जो इस देश में आए हैं और उसके बाद जो स्थिति इस देश की हो रही है, सांप्रदायिक दंगे चारों तरफ हो रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, जब भी चुनाव होते हैं, जब कर्नाटक का चुनाव हुआ तो भारत पाकिस्तान की बात आ गई और मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की बात आ गई, जिन्ना की तस्वीर की, कर्नाटक ध्वज नहीं फहराया है तिरंगा ध्वज, वहां दूसरे ही कलर का ध्वज फहराया जाता है। तो आप एक तरफ देश को में धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के वोटों से जीत करके आप एकता की बात करते हैं और जीतने के बाद आप पूरे देश में लड़ाने की बात करते हैं। सेवा दल उन सब चीजों को अब ग्राम स्तर तक जा करके बेनकाब करेगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, चूंकि हम बीच में कमजोर हुए इसलिए ये आरएसएस मजबूत हुआ है। और आप आज नोट कर लें मेरी इस बात को, 31 अक्टूबर 2018 को जैसे जैसे सेवा दल मजबूत होगा, ये झूठ का पुलिंदा और झूठ का संगठन आरएसएस वैसे वैसे अपने आप धराशायी हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो जो अयोध्या के मंदिर के मुद्दे को लेकर हमेशा ही बात, जब चुनाव आता है तो बीजेपी यही मुद्दा कि मंदिर वही बनाएंगे, देखिए ये एक संवेदनशील मुद्दा है और भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सर्वधर्म संभाव इसका नारा है। और इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में और इस देश को आज़ाद कराने में भी जितना योगदान हिंदुओं ने दिया उतना मुस्लिम भाइयों ने भी दिया है। और ये मुद्दा एक किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, ये देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इस मुद्दे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा और कोर्ट में जब कोई मामला विचाराधीन होता है तो वहाँ पर अपनी राय देना उचित नहीं है। तो जो कोर्ट का फैसला होगा उसे पूरा देश मानेगा। तो सर छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि जो एसटीएटी एक्ट जो लगा था, कि पहले ऐसा था सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था और आपके शासनकाल था जब किसी को गिरफ्तार करने के पहले जांच की जाती थी, मगर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने अपने से ऊपर समझ करके उन्होंने कर दिया कि नहीं, आरोप लगता तत्काल गिरफ्तार, इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए मैं इस एक विषय में नहीं जाना चाहता,
आप संघ के नागपुर कार्यालय में चले जाइए, वहाँ भारत माता की तस्वीर उन्होंने लगाई है और उसमें एक शेर दिखाया गया है और एक झंडा भगवा कलर का दिखाया गया है, वही उनकी भारत माता है और उसी सिद्धांत को वो लेकर के चलते हैं। भारत माता के नाम पर वो अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक को उन्होंने उस नक्शे में दर्शाया है और वो कहते हैं कि हम वहाँ से यहाँ तक के हम एक करेंगे, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा दूसरी है। हमारी विचारधारा इस देश की आम जनता है, इस देश की आम जनता को के सुख सुविधा का ध्यान रखना, उनकी मूलभूत समस्याओं को हल करना, ये कांग्रेस की विचारधारा है। तो इन दोनों विचारधाराओं में यही अंतर है, वो इस देश में जनता की रक्षा करने नहीं आए हैं, वो इस देश में जो जमीन वो दिखाते हैं, जो भगवा रंग वो दिखाते हैं, उसके माध्यम से इस देश में जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो उस मुद्दे के आधार पर आप क्या इस देश से मुसलमानों को निकाल सकते हैं? 1947 में जो मुसलमान स्वेच्छा से पाकिस्तान चले गए वो चले गए, और जो मुसलमान यहाँ रह रहे हैं उनकी भावना, उनकी आस्था हिंदुस्तान के प्रति है, वो हिंदुस्तान के सिद्धांत को मानते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, इसलिए इस देश में निवास करते हैं। और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के बीच में फूट डालने की जो बात करती है, सेवा दल उस विचारधारा को ख़त्म करके यहाँ वापस धर्मनिरपेक्षता की बात करने के लिए अपना काम करेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।